यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को मैं हिंदी और बंगाली दोनों में बताऊंगा। तो बंधुरा वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियोटा खूब ही इंटरेस्टिंग होते चले जाए कारण ये वीडियोटा मैं आपके हिंदी और बांग्ला दोटोई बोलो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर्स है तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, सीवी कौन सा वेबसाइट अच्छा है, ये इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। तो बंधुरा এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো যে আপনি যদি জব খুঁজছেন, আপনি ফ্রেশার্স হন কিংবা এক্সপিরিয়েন্স হন, আপনি সদ্য এইচএস পাস করেছেন, গ্রাজুয়েশন পাস করেছেন, জব খুঁজছেন, তো কোথায় কোন ওয়েবসাইট আপলোড করলে বেটার হবে, কোন ওয়েবসাইট ভালো, এই ভিডিওতে আমি আপনাকে সম্পূর্ণ তথ্য দেবো। তো আমার সাথে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো ফ্রেন্ডস ইস ভিডিওকে দেখতে রাইয়ে বিনা স্কিপ কিয়ে। তো পহলা যে ওয়েবসাইট মানে আপকো বতানে ভালো ফ্রেন্ডস জো মুঝে ভি বহুত হেল্প হোতা হ্যায় বহুত হ্যায় naukri.com, जहाँ से मुझे भी बहुत सारा कॉल आता है। तो बंधुरा हमें प्रथम आपके जगह देखा से naukri.com जेखने हमारे अनेक कॉल आसे। मैं आपको इस वीडियो को लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल से भी ये वेबसाइट खोल सकते हैं, ये सब वेबसाइट खोल कर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बंधुरा हमें आपके लैपटॉपे देखा जो वेबसाइटगुल्लो खुले अपनी एट मोबाइले खुले देखते पड़बें, ओपन करके फिर इसमें naukri.com लिखिएगा। तो बंधुरा प्रथम अपनी आपके देखा naukri.com এখানে আপনি সিম্পলি গুগল ক্রোম ওপেন করে naukri.com লিখবেন, এখানে আপনার চলে আসবেন। তো ফ্রেন্ডস ইসমে দেখিয়ে naukri.com লিখা হুয়া হ্যায়, ইস ওয়েবসাইট মে ক্লিক কিজিয়েগা। তো বন্ধুরা এখানে দেখুন naukri.com লেখা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। মেরা ইন্টারনেট থোড়া স্লো হয় ফ্রেন্ড, তো ইসমে থোড়া স্লো লোডিং হো রাহা হ্যায় বন্ধুরা, আমার ইন্টারনেট একটু স্লো আছে তার জন্য এটা স্লো খুলছে। তো আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। ऐसे naukri.com ओपन होगा, अगर आप पहले से इसमें लॉग इन किया हुआ है तो आपको लॉग इन में क्लिक करके आपका आईडी पासवर्ड देकर लॉग इन करना है। अगर आप नया इसमें रजिस्टर कर रहे हैं फ्रेंड तो इसमें रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा। तो बंधुरा जो अपनी एर आगे जो naukri.com यूज कर अपना जो लॉग इन आईडी पासवर्ड थे तो अपनी लॉग इन क्लिक कर अपना आईडी पासवर्ड दिए खुलते पड़े। जो अपनी नतून साइट रजिस्टर करते चान तक अपना रजिस्टर क्लिक कर देवें। तो फ्रेंड्स ऐसे पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए फुल नेम मांग रहे हैं, यहाँ पर आपको फुल नेम देना पड़ेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, यहाँ पर पासवर्ड नया एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आई एम एक्सपीरियंस और आई एम फ्रेशर, अगर आपका पहले से काम का एक्सपीरियंस है तो आई एम एक्सपीरियंस में क्लिक कीजिएगा, अगर आप नया है काम में नया ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आई एम फ्रेशर्स में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फ्रेंड रजिस्टर नाउ में क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा एखे देखो पेजा खोलार पर आपनी फुल नेम आखिर अपना नेम देवें, एखे अपना इमेल आईडी देवें, एखे अपना देखो पासवर्ड अपनी एक नतून पासवर्ड एखे क्रिएट करबें naukri.com अपना मोबाइल नम्बर देवें दिए तपर देखो एखे अपशन आज आई एम एक्सपिरियंस आई एम फ्रेशर्स। जो अपनी एर आगे कोथाव काज करे थाकें ताहले आई एम एक्सपिरियंस क्लिक करबें, जदि आपनी एकदम फ्रेशर्स हन सद्य पास करेछेन पास करे एबं जब खुजछेन ताहले आपनी आई एम फ्रेशर्स ए क्लिक करबें, करे एखे रेजिस्टार नाउ तो क्लिक करबें। तो ये फिल अप करके फ्रेंड फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बंधुरा एटा फिल अप करे तारपर आमी आपनाके देखाच्छी। रजिस्टर नाउ में क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, उसके बाद आप ओटीपी दीजिए, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद फ्रेंड ये पेज ओपन होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करार पर अपना नंबर एक ओटीपी आसें, अपनी जो मोबाइल नंबर दिए से मोबाइल नंबर ओटीपी आसें, से ओटीपी दिए वेरिफाई पे क्लिक करबें, क्लिक करार पर बंधुरा ये पेजट ओपन है फ्रेंड। इसके बाद आपको दिखा रहा है आर यू कार्नली एम्प्लॉयड, अगर आप अभी आप क्या जॉब कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो येस में क्लिक कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं जॉब तो नो में क्लिक कीजिएगा। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कर रहे हैं जॉब तो आपका पहले आप कहाँ पर किए थे और उसमें टोटल एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक करना, क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। तो बंधुरा फर्स्ट जो ऑप्शन आज आर यू कारेंटलि एमप्लॉयड, अगर एखो जी अपनी को जगह काज करछेन तो अपनी ये से क्लिक करबें, जो अपनी कोथाओ काज करछेन ना ताहले अपनी नोते क्लिक करबें ना, और जो अपना को एक्सपिरियंस थे काजे सेखाने अपनी एखाने सिलेक्ट करबें जो अपना कत बचर कत मास एक्सपिरियंस आछे। तो अपना जो अपना जहाँ एक्सपिरियंस থাকবে কাজে সেটা আপনি দেবেন, যদি ফ্রেশার হন তাহলে এটা আপনি জিরো রাখবেন। বন্ধুরা আপ আপনার কাম কাজ এক্সপিরিয়েন্স है वो দিয়েগা यहाँ पर, अगर आपका एक्सपिरियंस नहीं है तो आप इसमें जीरो रखिएगा। फ्रेंड्स और ऑप्शन ओपन हुआ है प्रीवियस कंपनी, प्रीवियस कंपनी का नेम आपका मांग रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप कौन सा कंपनी में काम किए थे उसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स देना होगा, प्रीवियस जॉब टाइटल आप कौन सा पोजीशन में थे वो देना पड़ेगा, करेंट सिटी आप अभी कहाँ पर है वो सिटी का नाम आप दीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो है वर्किंग साइंस आप कितने साल से काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर देना पड़ेगा, एनुअल सैलरी आपका ईयरली सैलरी कितना है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन, आप कितने दिन में अगर आपको जॉब मिलता है नया जॉब तो आप कितने दिन में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप 15 डेज से कम, एक मंथ, टू मंथ और थ्री मंथ, मोर देन थ्री मंथ,
आपका जो अगर आपका भी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो वहाँ का अगर नोटिस पीरियड 1 मंथ रहा तो आप यहाँ पर 1 मंथ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रिसेंटली ज्वाइन कर सकते हैं तो आप 15 डेज और लेस कर सकते हैं। तो बंधुरा देखो ए पेजटा ओपन हार पर देखो एखे अपना आज से प्रिभिया कम्पानी देखें अपनी आगे को कम्पानी क्या करें जमीन जेहतु एखे एक्सपिरियंस दीची बोले हमारे अपशन क्या देखा है प्रिभिया कम्पानी अपनी प्रिभिया कम्पानी दिए देवें जी अपनी को कम्पानी आगे क्या कर प्रिभिया जब टाइटल मैंने को पोजिशन आपनी क्या करें जी अपनी इंजिनियर हिसाब से क्या करते हैं तो इंजिनियर देवें जो अपनी टीचार थकें तो टीचार देवें जी अपनी रिटेलर কাজ করে থাকেন সুইচ রিটেলার কাজ করে থাকেন তো আপনি রিটেল একাউন্ট ম্যানেজার দেবেন। আপনার যা জব পজিশন কারেন্ট সিটি আপনি এখন কোথায় বাস করছেন সেই শহরটার নাম দেবেন। এখানে আপনার দেখুন সাজেশন এখানে আপনি তারপর দেখুন ওয়ার্কিং সায়েন্স আপনি কবে থেকে কাজ করছেন এখানে এটা সিলেক্ট করবেন। তারপর আপনার অ্যানুয়াল স্যালারি আপনার বার্ষিক স্যালারি কত সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন। অ্যাবিলিটি জয়েন যদি আপনি নতুন যদি আপনার কাছে জব অফার আসে তো আপনি কতদিন এটা জয়েন করতে পারবেন এখানে সিলেক্ট করবেন 15 ডেজ অর লেস 1 মান্থ 2 মান্থ আর 3 মান্থ এটা সিলেক্ট এগুলো সিলেক্ট করে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ফ্রেন্ড। তো ফ্রেন্ডস এ সিলেক্ট করে ফির ইসকো মে কন্টিনিউ কর রহা হুম। যেস কোম্পানি কা নাম লিখা হ্যায় ওয়াহাঁ পর জো ডেজিগনেশন মে থা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার ও লিখা হ্যায় সিটি নেম অর এ সব ফিল আপ কিয়া হ্যায় উসকে বাদ দেখিয়ে ফ্রেন্ডস জব মে অ্যাবিলিটি জয়েন 15 ডেজ মে ক্লিক কিয়া তো উসকে বাদ ইন্ডাস্ট্রি মাঙ্গ রহা হ্যায় আপ মে কোন সা ইন্ডাস্ট্রি মে থা डिपार्टमेंट की स्किल ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा फ्रेंड ये सब आपको फिलअप करना होगा। तो बंधुरा देखो अपनी एखे जख ये एप्लीटी जॉइंट अपनी मान्थ जेटा सिलेक्ट कर दें तपर आपसे ये अपशनगुल आज खुलबे इंडस्ट्री अपनी को इंडस्ट्री से क्या कर डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटे छिले की स्किल अपना की स्किल की छो से आपके फिल आप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो बंधुरा तो देखूँ हमें यहाँ हमें जो एक सिलेक्ट करी अपनी जे डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट सिलेक्ट करबें अथवा अपनी जे डिपार्टमेंट अपना अपनी काज करेछेन से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करबें जो एक सिलेक्ट करी आपात अपने देखानों जो। तो बंधुरा आप जिस डिपार्टमेंट में है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ एक डिपार्टमेंट आप जो डिपार्टमेंट में काम किया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स के बाद है रोल कैटेगरी। तो बंधु देखो एखे रोल कैटेगरी आखिर अपनी सिलेक्ट करनी को रोले काज करेछेन तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रोल कैटेगरी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा कैटेगरी से अपनी काज को कौन सा कैटेगरी से आप काज किए हैं। तो जैसे फ्रेंड मैं मोबाइल रिपेयरिंग में काम करता हूँ तो मैं इसमें मोबाइल रिपेयरिंग लिख रहा हूँ। आप जो भी काम किया है जिस डिपार्टमेंट में वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर की स्किल में। तो बंधुरा अपनी जेटा से काज जे एक्सपिरियंस जे की स्किल अपना आज है से की स्किल अपनी एखे लिखभन जमन हमें मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करी तो हमें मोबाइल और लैपटॉप लिखी। तो ऐसे आप फ्रेंड बहुत सारा की स्किल दीजिएगा जितना भी हो सके। तो बंधुरा ये भावे आपने अनेकगुलो की स्किल देवें जेटा आपनार जतगुलो आपनार होते पारे। तो उसके बाद फ्रेंड इसमें सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है तो एरपर बंधुरा सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका हायर क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं यहाँ पर आपका हायर क्वालिफिकेशन कितना है वो आप यहाँ पर दीजिएगा। तो बंधुरा देखो एरपर हायर क्वालिफिकेशन आसे क्या अपना हायर क्वालिफिकेशन को देवें तो यहाँ पर कौन सा कोर्स था आपका आपका जो भी है आपके हिसाब से आप इसमें दीजिएगा। तो बंधुरा एक पर अपनी अपना क्वालिफिकेशन अनुजाई अपनी अपना एखे फिल आप कर दें। यूनिवर्सिटी नेम देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी नेम देवें फुल टाइम कोर्स आपनी कि फुल टाइम कमप्लीट करेछेन नाकि हाफ पार्ट टाइम करतें सेखाने एटा आपनि देबेन। कारण तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्स है आप फुल टाइम किया है या हाफ टाइम किया है पार्ट टाइम किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन किया हो तो फुल टाइम ग्रेजुएशन में क्लिक कर रहा हूँ। पासिंग ईयर लास्ट कौन सा ईयर में पास किया था वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बंधुरा एखाने पासिंग ईयरटा देवें पूरा डिटेल्स आपनि एखाने फिल आप करबें बंधुरा। उसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू में ऑप्शन आ रहा है इसका बाद आप सब सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा एखाने देखो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन आछे तो अपनी सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दें।
देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है, लास्ट ऑप्शन सिर्फ बाकी है आपका, जो आपका रिज्यूम का जो टाइटल होगा वो आप दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स, तो मैं यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं मोबाइल एंड रिपेयरिंग में मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं वो लिख रहा हूँ। तो बंधुरा देखो अपना এখানে রিজুম হেডলাইন টা আপনি দেবেন, আপনি কোন কি কাজ করেন, কত এক্সপিরিয়েন্স আছে একটা ছোট লাইনের মধ্যে লিখে দেবেন। জেসে মে আপকো ইয়াহ দেখিয়ে মে ইয়াহ পর দে রাহু, ফিল আপ করকে দেখিয়েগা বহুত সারা, ইসকে বাদ আপকো অপশন মিলেগা, ইয়া আপ সিলেক্ট কর লিজিয়েগা আপকে হিসাব সে, অর ফির দেখিয়ে প্রিফারড লোকেশন, আপ কোন সা লোকেশন মে আপকে, আপ যে লোকেশন মে রহতে হ্যায় উসকে ইলাভা আপ কোন সা লোকেশন মে কাম করনা চাহ রহে হ্যায় ইয়াহ পর আপ অ্যাড কর সকতে হ্যায়। তো বন্ধুরা দেখুন এরপরে অনেকগুলো অপশন খুলবে, আর দুটো তিনটে অপশন, সেগুলো আপনি ফিল আপ করতে থাকবেন। দেখুন এখানে যেমন আছে প্রিফারড ওয়ার্ক লোকেশন, আপনি যেই লোকেশন থাকেন সেটা ছাড়া আর কোন লোকেশন কাজ করতে চাইছেন, তো সেটা আপনি ক্লিক করতে পারেন, অ্যাড করতে পারেন। দিয়ে এখানে আপনার জেন্ডার আছে, আপনি জেন্ডার সিলেক্ট করবেন এবং সাবমিট করবেন। তো বন্ধুরা এরপর আপনি জেন্ডার সিলেক্ট করবেন এবং সাবমিট করবেন। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे naukri.com में आपका प्रोफाइल खुल गया, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको आप कंप्लीट करना होगा। देखिए 55% दिखा रहा है, तो आप इसमें क्लिक करके आप इसमें ऐड डिटेल्स करके आपका फोटो लगा सकते हैं, आपका बायोडाटा इसमें लगा सकते हैं। बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, जो रिज्यूम होता है रिज्यूम में आप अपडेट कर दीजिएगा। तो बंधुरा एरपर देखुन आपके ऐड डिटेल्स क्लिक कर आपके रिज्यूम अपलोड करते हैं, नम्बर वेरिफाई करते हैं, एगो अपनी एक एकटार पर एक एक स्टेजे क्लिक करबें, ये পুরোটা ফিল আপ করবেন। ওখানে যখন আপনার 100% হয়ে যাবে বন্ধুরা, দেখে ফ্রেন্ডস কে বাদ এসব ওপেন হোগা, ইয়াহ পর দেখিয়ে 55% দিকার, মতলব পুরা কমপ্লিট নেই হুয়া হ্যায়। তো জো ভি অড স্টেপ হ্যায় দেখিয়ে ইয়াহ পর বহুত সারা পেন্ডিং দিকার হ্যায়, তো ইয়ে সব আপ ভিউ অল মে ক্লিক করকে, জেসে ইমেল আইডি আপকা ভেরিফাই কর লিজিয়েগা, রিজুম অ্যাড কর লিজিয়েগা, রিজুম মতলব বায়োডাটা জো হোতা হ্যায় यहाँ पर बायोडाटा ऐड कर लीजिएगा, फोटो ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर पूरा 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, तो आपका प्रोफाइल पूरा रनिंग हो जाएगा। तो बंधुरा देखो एरपर यहाँ कंप्लीट करार पर एक प्रो टोटल खुलबे टोटल प्रोफाइल, तो ये अपने देखो 55% देखा, ये आपके 100% कमप्लीट करते हैं, तब आपनर चान्स थको बेसि कल आसार जब। तो देखो ये अपना की बाकी आखा नेट पेंडिंग एक्शन, तो यो अपनी वेरिफाई इमेल एड रिज्यूम एगो अपनी एखे रिज्यूमे क्लिक कर अपना बायोडाटा अपलोड करबें, अपना मोबाइल नम्बर वेरिफाई करबें, मेल वेरिफाई करबें, और अपना जा जा चाहिए एखे पूरा फिल आप करबें। 100% कमप्लीट हो गए अपना प्रोफाइल पूरा पूरा रेडी हो जाए, अपना जब तक कल आसा और अपना जब कल आसा शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स ये था पहला वेबसाइट naukri.com, जिसमें हमें आपको दिखाया कैसे फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये पूरा फिलअप कर लिया वेबसाइट है, तो बंधुरा हमें ये पूरा कमप्लीट आपके देखाते पर कारण तेल जस्ट एरपर जो वेबसाइट अपशनगुल्लो आज है वो एकदम ही सीम्पलि आज है, कारण देखो 8 पेंडिंग एक्शन देखा आपने एखे भिओ अल क्लिक कर एक वेरिफाई कर वेबसाइट के बता नेक्स्ट जो वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड voicesign.com। तो बंधुरा नेक्स्ट जो वेबसाइट विषय आपके बोलो से sign.com, गूगल में sign.com लिखने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑप्शन आता है sign.com, उसमें क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा गूगल sign.com लिखकर अपना sign.com में क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स sign.com खुलने के बाद यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन है, रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा देखो एखे sign.com खुलार पर अपना रजिस्टर्ड ऑप्शन आस, अपने रजिस्टर क्लिक कर दें, यदि अपने आगे लॉग इन कर थे तो लॉग इन क्लिक कर दें, अगर आप पहले से लॉग इन किए हुए इसका अगर आपका इसमें ID पासवर्ड है तो आप लॉग इन में क्लिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेम naukri.com के जैसा ही है, इसमें भी आपका पूरा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, पहला नेम तब ईमेल फोन नंबर एंड पासवर्ड फिलअप करके कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। तो बंधुरा देखो ये naukri.com ही मतन, एखे प्रथम नेम तपर इमेल तपर फोन नंबर और पासवर्ड दिए कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद इसमें आपका आइडेंटिटी मांग रहा है, तो आपका आप अपना जेंडर क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा देखो कंटिन्यू क्लिक करार पर एखे अपना आइडेंटिटी चाहिए, एखे अपना जेंडर आपने क्लिक करबें, उसके बाद फ्रेंड आपका सिटी मांग रहा है, सिटी में क्लिक कीजिएगा। तो बंधु एरपर अपना सिटी चाहिए, सिटी क्लिक कर दें, यदि अपने एखे सिटी ना थे तो अपनी इंटर लोकेशन में क्लिक कर लेना सिटी देखिए देवे, फ्रेंड इंटर लोकेशन में क्लिक करने से आपका सिटी यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है हैव यू एवर वर्क, इससे पहले आप कभी काम किया, अगर आप काम किया तो येस आई हैव वर्क में क्लिक कीजिएगा, अगर आप फ्रेशर से आपको तो नो आई डोंट हैव एनी वर्क में क्लिक कीजिएगा। तो बंधुरा एक पर देखा हैव यू एवर वर्क, मैंने आपने कि आगे को जगह काज करें, जी अपने एक्सपीरियंस थे तो अपनी येस आई हैव वर्क में क्लिक करें, जी अपना को एक्सपीरियंस ना थे तो अपनी डोंट आई डोंट नो आई डोंट हैव एनी वर्क क्लिक कर दें।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका हायर एजुकेशन यहाँ पर दिखा रहा है, आप हायर एजुकेशन आपका जितना है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो बंदे देखो पड़ा हायर एजुकेशन देखा अपना हायर एजुकेशन जो है आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका कौन सा सब्जेक्ट में है, जैसे मैंने बीए क्लिक किया तो कौन सा सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट क्लिक करना होगा तो कहने बंधु सब्जेक्ट क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नेम देना पड़ेगा जहाँ से आप एजुकेशन कम्प्लीट किया है, मुंद्रे का इंस्टीट्यूट नाम देता हुआ जगह अपनी जगह तक अपनी अपना पढ़ाशुना कम्प्लीट कर। यहाँ पर ईयर देना पड़ेगा कौन सा ईयर में आप कम्प्लीट किया है, तो मुंद्रे का ईयर देता हुआ कौन कौन ईयर अपनी कम्प्लीट कर। फुल टाइम और पार्ट टाइम यहाँ पर आप पार्ट टाइम अगर किया है तो पार्ट टाइम में क्लिक करना पड़ेगा, अगर फुल टाइम किया तो फुल टाइम में क्लिक करना पड़ेगा। मुंद्रे अकाउंट पार्ट टाइम कर देंगे फुल टाइम कर देंगे आपने क्लिक करने में। अगर और भी ज़्यादा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अनदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करके अनदर क्वालिफिकेशन में क्लिक करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बंधुरा जी अपना आरो क्वालिफिकेशन रखें तो अपने कहने ऐड अनदर क्वालिफिकेशन क्लिक कर आरो ऐड करते पारें अथवा अपनी नेक्स्ट करते पारें। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको अब स्किल मांग रहे हैं कौन सा स्किल आपका है, अगर यहाँ पर आपका यहाँ से अगर आपको कुछ सजेस्टेड मिलता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो बंधुरा देखो अपना एखे स्किल चाहिए काजेर स्किल अपने की काज शिखे की काज करें कौन कौन प्रफेशन आज से अपने एखे क्लिक करें, जी अपने एखे थे तो ठीक है ना अपने एखे ऐड करते पड़े। जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ मेरा लैपटॉप में लैपटॉप रिपेयरिंग में एक्सपीरियंस है तो मैं लैपटॉप रिपेयरिंग दे रहा हूँ, इसमें मिनिमम 3 स्किल ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड, तो मैं और भी दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स में अपलोड रिज्यूम आपको यहाँ पर रिज्यूम मन आपका जो बायोडाटा है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो बंधुरा एरपर अपनी अपना बायोडाटा एखे अपलोड रिज्यूम में क्लिक कर बायोडाटा अपलोड कर देने एखे क्लिक कर यहाँ पर आपका जॉब टाइटल मांग रहा है फिर आपका जॉब टाइटल क्या है, जैसे मेरा है सर्विस इंजीनियर मैं मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग करता हूँ इसे मैं दे रहा हूँ। अगर आप रिटेल में काम करते हो रिटेल भी दे सकते हो, आप जिस फील्ड में आप काम किया है या फिर जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर से आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नया ऑफिस जॉब करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑफिस जॉब बोल के भी दे सकते हैं, बैक ऑफिस जॉब या फिर फ्रंट ऑफिस जॉब बोल के भी आप लिख सकते हैं। तो बंधुरा अपना जेटा एक्सपीरियंस रहे जे काजे मैं जेटा सीखे से आपके कहीं लिखते पड़े, अथवा जी अपनी एकदम फ्रेशर हन को किसी सीखे ना थकें जस्ट ग्रेजुएशन कमप्लीट कर अपनी यदि ऑफिस जॉब चान तो बैक ऑफिस अथवा फ्रंट ऑफिस जॉब अपनी लिखते पड़ें। अगर आपको सैलरी देना पड़ेगा फ्रेंड आप कितना सैलरी आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आपको कितना सैलरी था वो आप दे दीजिएगा यहाँ पर। उनके अगर आपने अपना सैलरी देवें डिपार्टमेंट देवें हम जस्ट अपना देखी देखा एक सैम्पल हिसाब से अपनी यहाँ भलो कर अपना डिपार्टमेंट अनुजाई अपनी क्लिक कर दें। उसके बाद इंडस्ट्री में क्लिक करके फ्रेंड इंडस्ट्री यहाँ पर आपका इंडस्ट्री यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। बुंदर एखे इंडस्ट्री क्लिक कर इंडस्ट्री अपनी चूज कर नबें। इसके बाद फ्रेंड लोकेशन मांगे यहाँ पर लोकेशन दीजिएगा, लोकेशन देख के यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो बंधुरा एरपर अपना देखो लोकेशन चाहिए फिर अपनी लोकेशन देखें लोकेशन दिए अपने नेक्स्ट कर देवें। तो ऐसे फ्रेंड आपका यहाँ पर देखिए जॉब साइन डॉट कॉम में आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, यहाँ पर से आप बहुत सारा जॉब सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है वो आप पूरा फिलअप भी कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करके आपका नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा और मेल आईडी भी फिर वेरीफाई कर लीजिएगा और भी जो भी डिटेल्स आपका है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो बंधुरा देखो एखे अपना एखे अपनी विभिन्न जॉब सर्च करते पारबें एखे लिखे এখানে আপনি লিখে বিভিন্ন জব সার্চ করতে পারবেন, তাছাড়া আপনার প্রোফাইলটা আপনি এখানে পুরোপুরি ফিল আপ করতে পারবেন। আপডেট প্রোফাইলে ক্লিক করে আপনার যা যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আপনি এখানে ফিল আপ করে নেবেন। তো ফ্রেন্ডস থার্ড যে ওয়েবসাইট আমি আপনাকে দেখাবো ওয়ে টাইমস জব ডট কম, ইয়াপর আপ গুগল মে টাইমস জব লিখিয়েগা তো ইয়াপর টাইমস জব ডট কম আয়েগা আপকা। তো বন্ধুরা থার্ড নম্বর যে অপশনটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ওয়েবসাইটটা সেটা হচ্ছে টাইমস জব ডট কম, এখানে আপনি গুগলে টাইমস জব লিখবেন তো আপনার এখানে ওয়েবসাইটটা এসে যাবে টাইমস জব ডট কম, এখানে ক্লিক করবেন।
यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आप पहले से आपका इसमें आईडी है तो आप लॉगिन में क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड देकर उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप नया इसमें आईडी बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा। बंदे देखो ना लॉगिन एवं रजिस्टर ऑप्शन आज है। जो अपना आगे एखे आईडी लॉग इन करें तो अपने आईडी पासवर्ड दिए लॉग इन करते हैं। जो अपने एखे नतून कर सैडे प्रोफाइल बनाते चाहें तो आपके रजिस्टर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिटेल्स देना होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो पासवर्ड दिए वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जॉब फंक्शन कौन सा डिपार्टमेंट पे आपका था, कौन सा जॉब एरिया आपका है वो देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, करंट वर्क अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस दीजिएगा, नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। यहाँ पर करंट वर्क लोकेशन आपका कहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कहाँ पर आप जॉब करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको देना पड़ेगा लोकेशन की स्किल कौन सा स्किल आपका है। जैसे मैं पहले बोल चुका आपको, जैसे मेरा मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग दे रहा हूँ। आपका जिस फील्ड में है आप वहाँ पर दे दीजिएगा की स्किल में। यहाँ पर आपका रिज्यूम जो है मतलब बायोडाटा यहाँ पर आपको चूज फाइल में क्लिक करके आपको बायोडाटा यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। तो बंधुरा देखो এখানে এই পেজটা খুলবে, তারপরে এখানে দেখুন রেজিস্টার ক্লিক করার পরে পেজটা খুলবে। এখানে ইমেল আইডি, আপনি ইমেল আইডি দেবেন, পাসওয়ার্ড দেবেন, এই পাসওয়ার্ডটা আবার কনফার্ম দেবেন, তো মোবাইল নাম্বার দেবেন, এখানে আপনার জব ফাংশন, আপনি কোন কোন পজিশনে কাজ করছেন বা করতে চান সেটা এখানে ফিল আপ করবেন, এক্সপিরিয়েন্স দেবেন যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে, কারেন্ট ওয়ার্ক লোকেশন আপনি কোন জায়গায় কাজ করতে চাইছেন বা করছেন সেটা এখানে দেবেন, এখানে কি স্কিল দেবেন, আপনি কোন প্রফেশন আছেন, যেমন আমি মোবাইল এবং ল্যাপটপ রিপেয়ারিং আছে সেটা আমি এখানে দিচ্ছি, চুজ ফাইল, আপনার এখানে রিজিউমটা আপলোড করবেন মানে বায়োডাটাটা দিয়ে এটাকে আপনি নেক্সটে কন্টিনিউ। আই ডোন্ট, যদি আপনার রিজিউম না থাকে তো আই ডোন্ট হ্যাভ এ ক্লিক করতে হবে, কিন্তু রিজিউমটা দেওয়াটা ফ্রেন্ড খুবই ভালো, এতে কল আসার বেশি চান্স থাকে। ফ্রেন্ডস ইয়ার পর ফির আপকো এসব ফিল আপ করতে আপকো কন্টিনিউ মে ক্লিক করতে হবে। জেসা পেলে ওয়েবসাইট মে আপকো দিখা হু, জেসে পেলে দো ওয়েবসাইট মে আপকো দিখা হু, naukri.com এবং find.com মে জেসা ডিটেলস থা, সিম্পলি ওয়েবসাইট ডিটেলস আপকো ইয়ার পর মিলেগা, ফিল আপ করকে আপকো কন্টিনিউ মে ক্লিক করতে হবে। বন্ধুরা যেটা এর আগে আমি যে দুটো ওয়েবসাইট সঙ্গে দেখেছি, naukri.com এবং find.com মে, সিম্পল ওরকম ধরনের আপনার অপশন আছে এখানটা, ওইগুলো ফিল আপ করবে, ফিলআপ করে আপনি এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে। দেখি ইয়ার পর নেক্সট মে ক্লিক করলে কন্টিনিউ মে ক্লিক করলে বাদ ফ্রেন্ড timesjob.com में इस आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करके आपका जो भी पहले जो वेबसाइट में मैं आपको दिखाया जैसा डेजिग्नेशन, सिटी, ये सब सिलेक्ट करना पड़ता है, वो सब आप सिलेक्ट करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ये अपनी जमनी आगे वेबसाइटगुलोते मैं आपके देखी सरकम भाव ये सेम भाव फिल आप करते हैं, ये अपना timesjob.com में ये रेडी हो जाए। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अगले वेबसाइट में, तो एरपर बंधुरा चलो नेक्स्ट वेबसाइट अपना देखा। फ्रेंड अगला जो वेबसाइट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है indeed.com। तो बंधुरा एरपर जो मैं आपके वेबसाइट देखा से indeed.com, गूगले इंडिट लिखले अपनी एक पे जाने अपनी indeed.com में क्लिक करबें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स indeed.com में क्लिक करना होगा। यहाँ पर जॉब भी ढूंढ सकते हैं यहाँ पर सर्च करके, तो बंधुरा एखे अपनी जॉब खुजते पर सार्च कर और अथवा अपनी एखे साइन इन करते हैं, तो बंधुरा यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखे देखिए थ्री ऑप्शन दिखा रहा है आपको, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ एप्पल, कंटिन्यू विथ फेसबुक, तो एखे बंधुरा अपना एखे देखा तीनटे ऑप्शन, अपनी एखे एट कर कंटिन्यू करते अथवा इमेल एड्रेसों दीते हैं, इसके अलावा फ्रेंड इमेल एड्रेस से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी देने के बाद जब आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपका मेल पर आपका एक मेल आएगा, उसमें पासवर्ड देने बोलेगा, आप उसमें पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। तो बंधुरा देखो मेल एड्रेस देवर पर जो अपनी नेक्स्ट क्लिक करबें तक अपना मेल एड्रेस एक मेल जाए और आपके पासवर्ड क्रिएट करते बोलते, तो अपनी पासवर्ड क्रिएट करबें। पासवर्ड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा पेज खुलेगा, तो फ्रेंड तो बंधुरा पासवर्ड क्रिएट करार पर अपना इकम भाव इंडिट डॉट कीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल ऑप्शन आएगा, इसमें आप प्रोफाइल में क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में सब कुछ ऐड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो बंधुरा क्लिक करबें, इतने क्लिक करार पर प्रोफाइल आसें, से प्रोफाइले क्लिक कर अपनी अपना प्रोफाइल समस्त किसी डिटेल्स ऐड करते हैं। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद फ्रेंड जैसे पिछले वेबसाइट में आप फिलअप किए वैसा ही उसी तरह का ऑप्शन आए आपके पास आएगा, आपका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा और आपका रिज्यूम यहाँ पर से आप अपना रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं बायोडाटा, तो आपका ये साइट भी रेडी हो जाएगा। मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा फ्रेंड, अपनी ये तीन वेबसाइटे जो फिलअप करेक्ट सरकम ही आए और सरकम ही डिटेल्स एखे दीते हैं दिए ये बायोडाटा एखे अपलोड करबें করে এটাকে আপনি মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল আইডিটা একবার ভেরিফাই করে নিয়ে এটাকে কন্টিনিউ করে দেবেন। ঠিক আছে, ইয়ার পর ফিল আপ কর লিজিয়েগা। আমি আপকো ইয়ে পুরা নেই দিখা পা রহা হুঁ কিউঁকি ভিডিও বহুত লং হো জা রহা হ্যায়, তো সেম ডিটেলস হি হোতা হ্যায় ফ্রেন্ডস। আর ফ্রেন্ডস আর একবার আগে আপকো ইয়ে ভিডিও আচ্ছা লাগে তো লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার জরুর কর দেনা। আর দু তিন ওয়েবসাইট হোতা হ্যায় ফ্রেন্ডস, জেসে monster.com ইয়া ফির আপনা অ্যাপস,
जो मोबाइल में यूज़ होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल आने का, जॉब कॉल आने का चांस ज़्यादा होगा। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনি আপনার ইন্ডিড ডট কমটা পুরোপুরি ফিল আপ করে নেবেন প্রোফাইলটা। আমি আপনাকে পুরোটা দেখাচ্ছি না, কারণ ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। তাই আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট, যেটা আমি আপনাকে প্রথমেই দেখেছি naukri.com, সেটাতে যদি ফিল আপ করে থাকেন, অনেকটা সেরকম অপশনই এখানে আসবে। তো আপনার সেম জিনিসই থাকবে, তো আপনি এগুলো ফিল আপ করে নিতে পারবেন। তো আপনার এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে ফ্রেন্ড, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আরও কিছু ওয়েবসাইট আছে ফ্রেন্ড, যেমন monster.com, আপনার অ্যাপ, এগুলোতে আপনি ফিল আপ করতে পারেন, তাহলে আপনার জব কল আসার চান্স আরও বেশি হবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস।